जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पी एन सिंह क्लासेज में, जो इकोनॉमिक्स से हम लोग जो टर्म को डिफाइन करते हैं, जो टर्म पे बात करते हैं। आज हम लोग टर्म लेकर दो टर्म पे बात करेंगे। पहला है आपका क्लेप्टोक्रेसी। ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी जो है एक टर्म है, इसको यूज किया जाता है। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत क्या होती है, एक सरकार जो सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो, सरकार जो भ्रष्ट हो तथा जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी पूरी तरह से इतना भ्रष्ट होते हैं कि मतलब देश की जो इकोनॉमी होती है पूरी एकदम मतलब वो अपने फायदे के लिए और अपने लिए यूज करते हैं। मतलब एक तरह से कहते हैं पूरा जो सरकार और नौकरशाह सब भ्रष्ट होते हैं। ऐसे सरकार को, ऐसे सिस्टम को क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी करते हैं इस मतलब अपनी शक्तियों का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं और जिसको चाहे उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो आज का एग्जाम्पल है वो है आपका रशिया। ठीक है, यूएसएसआर का जो विघटन हुआ, यूएसएसआर जब टूट गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद जो रशिया है ये आपका एक तरह का क्लेप्टोक्रेसी की तरह का सरकार चलाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सरकार जो थी वो माफिया पक्ष की सरकार ने निजीकरण के बाद जो सरकारी कंपनी को जो शेयर था वो पूरा सरकारी कंपनी को जितना भी शेयर था सब निजी कंपनियों को बेच दिया। तो ये आपका क्लेप्टोक्रेसी जो कह सकते हैं, एक तरह का सरकार है जो एकदम भ्रष्ट सरकार की को डिफाइन करता है। दूसरा टर्म हम लोग बात करें तो है आपका एंजल्स लॉ, एंजल का सिद्धांत या एंजल्स लॉ। ठीक है, एंजल्स लॉ, ध्यान रखिएगा, एंजल मतलब वो एंजल, वो परियोरी नहीं, एंजल्स लॉ। ठीक है, देखिए एंजल्स लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्होंने जो एक सांख्यिकीविद थे, मतलब एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट एंजल। इन्होंने कहा था कि सामान्यतः लोग क्या कर रहे हैं कि जिनकी आय बढ़ती जा रही है, सामान्यतः लोगों की जो आय है, जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है समय के साथ, लेकिन फिर भी आय बढ़ने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं कि जो अपने आय का एक छोटा सा हिस्सा ही अपने खाने पीने पर यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताया था। यानी कि आय को अपने बजट का लघु भाग ही खाने पर खर्च करते हैं, ये जो अवधारणा थी ये दिए थे अर्नेस्ट एंजल ने, और इसी को एंजल्स लॉ कहते हैं, एंजल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये 1857 के समय में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। थैंक यू, जय हिंद।